प्रेजेंटिंग अरीना स्क्वायर बाय एम्पायर अरीना। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने। ये एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शियल स्पेस फॉर योर शॉप्स एंड ऑफिसेस। इसी के साथ आपको मिलता है 1, 2 and 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में आपको मिलता है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, इंडोर आउटडोर गेम, मल्टीपर्पज हॉल, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पे। सो क्यों रहना ऑर्डिनरी जब मिल रहा है लग्जरी। डू कॉन्टेक्ट फॉर मोर डिटेल्स www.arenasquare.in। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टेल्स। पुणे में पोस्ट कार से 2 लोगों को रौंदने वाले नाबालिग आरोपी के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना 18 मई को हुई थी। पुलिस के मुताबिक नाबालिग आरोपी घटना के बाद कथित तौर पर नशे की हालत में था। नशे में उसने अपनी पोस्ट कार से बाइक सवार अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्ठा को टक्कर मार दी थी जिससे दोनों की मौत हो गई। इस घटना में मारे गए अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्ठा दोनों ही 24 साल के थे और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। दोनों ही पुणे में एक आईटी कंपनी में जॉब करते थे। ये घटना पुणे के कल्याणी नगर में हुई थी। पुलिस ने 17 साल के नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया था लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने कुछ शर्तों के साथ उसे जमानत दे दी थी। जमानत की शर्तों में 300 शब्दों का निबंध लिखने की शर्त भी शामिल थी। इसके बाद जब लोगों का गुस्सा फूटा तो पुलिस हरकत में आई और आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुणे पुलिस ने शराब की नशे में धुत होकर कार चलाने वाले नाबालिग के खिलाफ हत्या की धाराओं में तहत मामला दर्ज किया। इतना ही नहीं तो वह नाबालिग होने की वजह से उसे शराब देने वाले पब मालिक के खिलाफ भी अब पुणे पुलिस ने कार्रवाई की है और मामला भी दर्ज किया गया है। जिसके साथ साथ RTO लाइसेंस के बिना गाड़ी देने वाले उसके पिता विशाल अग्रवाल पर भी अब पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए उसे औरंगाबाद से हिरासत में लिया है। वो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कहना है आपको सुनाते हैं। सर, पूरा मामला अभी तक अपडेट किया है, कितने लोग को अरेस्ट किया गया है और आगे क्या कार्रवाई जाएगी सर? इसमें पहले दिन संडे को जब ये घटना हुआ था उस दिन ही हमने इस केस में 304 IPC नॉन बेलेबल ऑफेंस अप्लाई किया था। 304A जो कि नॉर्मली एक्सीडेंट में लगता है उसके व्यतिरिक्त ये 304 कलम ऐड किया गया था। ये कार्रवाई पुलिस के द्वारा संडे को ही की गई थी। उसके बाद हमने कोर्ट में एप्लीकेशन मूव किया था कि इस जुवेनाइल को, चूंकि ये हीनस ऑफेंस है अंडर द डेफिनेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इसको एडल्ट की तरह ट्रायल किया जाए। कोर्ट ने अनफॉर्चुनेटली हमारे इस एप्लीकेशन को डिसअलाउ किया था। उसके विरुद्ध हमने कल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई किया है। आज उस पर जजमेंट, उस पर निर्णय, उस पर सुनावनी होने की संभावना है। पूरी तरीके से लीगल जो भी रेमेडीज है वो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और हमारी आज भी यही धारणा है कि इस जुवेनाइल को जिस प्रकार का ऑफेंस उसने किया है इसको एडल्ट की तरह ट्राई किया जाए। हमने संडे को सेक्शन 75 और सेक्शन 77 के अंतर्गत, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत, हमने फादर को और हमने बार पब्स बार के मैनेजर मैनेजमेंट, इनको हमने एक ऑफेंस रजिस्टर किया था। ऐसे इस 5 लोगों के विरुद्ध जो ऑफेंस रजिस्टर हुई थी, कल रात 3 पब वालों को अरेस्ट किया गया था, आज उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। जो एक्यूज्ड के फादर और एक और आरोपी जो पब वाला था उनको आज डिटेन किया गया है। उनको पुणे लाया जा रहा है, पहुंचने के बाद अरेस्ट की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और उनको कल कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। पुलिस इसमें पूरी तरीके से कायदेशीर जो भी लीगली संभव था और जो भी लीगल प्रावधान इस विषय में था, पुलिस ने पूरी तरीके से Day 1 से उस पाथ पे है और हम इसमें जो भी पॉसिबल है उसको करेंगे जिससे आरोपियों को इस विषय में गंभीर शिक्षा मिले। सर, अल्कोहल का ब्लड रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं है लेकिन आरोपी
अल्कोहल के अल्कोहल कंज्यूम किया था, ये सीसीटीवी फुटेजेस और जो बिल्स की पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से उसने की थी उससे बहुत स्पष्ट हो रहा है। ब्लड रिपोर्ट आने के बाद बाकी और क्लैरिटी आएगी। ये पुलिस पे भी डायरेक्ट आरोप लगाए जा रहे हैं, आपका आपके नाम पे कुछ पॉलिटिकल पार्टी के नेता आरोप है, उनको क्या जवाब देंगे? मैं बहुत स्पष्ट कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, वापस दोहरा रहा हूं कि पुलिस ने डे वन से 304 आईपीसी का ऑफेंस रजिस्टर करने का बात हो या कोर्ट में जो हमने एडल्ट करके ट्रायल करने का बात हो या फादर और पप्स वालों पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत गुनाह दाखिल करने की कार्रवाई हो, पुलिस की भूमिका सख्त पहले दिन से शुरुआत से है। मैंने कल ये भी किया था कि मैं ओपन, हमारा चैलेंज है कि कोई भी लीगल एक्सपर्ट का पैनल हमारे सामने आ जाए और इसमें कोई दूसरा मार्ग जो कि हमने जो भूमिका ली है उससे ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो सकता था, अगर कोई हमको सुझाए तो मैं उस चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं जवाबदारी के साथ कहता हूं कि लीगल प्रावधान में जो भी तरतूद है उसमें जो भी मोस्ट स्ट्रिंजेंट पॉसिबल जो मार्ग था वो पुलिस ने लिया है और उस मार्ग पे पुलिस चल रही है। किसी प्रकार की आरोप कोई करे कि पुलिस ये नहीं किया वो नहीं किया उसके बारे में मैं जवाब देने के लिए मैं उचित नहीं समझता, लेकिन मैं इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन मैं ये बताना चाहूंगा कि पुलिस ने लीगल एक्शन लिया है और प्रॉपर लीगल मार्ग पे चला है। फिर भी अगर किसी को कोई इसमें सुझाव है जरूर हमारे पास आए, मैं ऑफिस में हूं, मैं ऑनलाइन डिबेट में जाने को तैयार हूं एंड वी विल ट्राई एंड प्रूव टू ऑल कंसर्न ऑल स्टेक होल्डर्स वी हैव दैट वी हैव अडॉप्टेड द मोस्ट स्ट्रिंजेंट पॉसिबल अप्रोच एंड वी शैल डू व्हाटएवर इज एट आवर कमांड टू एंश्योर दैट द टू यंग लाइफ्स व्हिच वर लॉस्ट गेट्स जस्टिस एंड द एक्यूज्ड गेट्स ड्यूली पनिश्ड।